सभी के लिए ईशान चला गया है पहली बार अपने परिवार के खिलाफ। इसके बाद क्या होगा उसका फैसला? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक की कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब ईशान जो है वो सभी का साथ देगा और अपने ही परिवार के खिलाफ जाएगा। जी हाँ, ये वही ईशान है जो अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाता था। इतना ही नहीं, ईशान ने अपनी माँ तक को अपने परिवार के लिए छोड़ दिया है, लेकिन आज सभी के लिए वो अपने परिवार के खिलाफ जाएगा और ऐसी ऐसी चीजें सभी से कहेगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए बताते हैं क्या होने वाला है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। पर प्रोमो की अगर हम बात करें तो प्रोमो अभी वाला काफी इंटरेस्टिंग आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ईशान जो है वो सभी के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ चला गया है और ईशान ने खुद ये बातें सभी से कही हैं। प्रोमो को देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईशान सभी अब जल्द ही नजदीक आने वाले हैं। वेल, जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे, सभी जो है सबके सामने आकर समृद्ध का पर्दाफाश कर देती है, लेकिन समृद्ध भी कम नहीं है। वो सभी पर ही उल्टा इल्जाम लगाने लगता है कि सभी कैरेक्टरलेस है, ये है वो है, और यही लड़की शादी के मंडप पर से भाग गई थी, जिसके बाद अब पूरा परिवार यानी कि सुरेखा, यशवंत सबके सब उल्टा सभी को सुनाने लगते हैं। वहीं दुर्वा जो है वो भी सभी पर इस तरह से बात करती है कि ईशान को गुस्सा आ जाता है। अब ईशान अकेला है जो कि सभी के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। ईशान ने कहा, फालतू में समृद्ध पर क्यों इल्जाम लगाएगी, उसका इससे क्या लेना देना है। इस पर सभी कहती है, वही तो सर, प्लीज आप लोग इन लोगों को समझाइए। वो दुर्वा से भी कहती है, दुर्वा प्लीज इस लड़के से शादी मत करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दुर्वा जो है वो तो सिर्फ समृद्ध की बातों में आ चुकी है, वो किसी को सुनने को तैयारी नहीं है। वहीं पर निशिकांत जो है वो कहता है कि सभी ठीक है, हम तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन तुम्हें इसके खिलाफ एक सबूत देना होगा जिससे ये गलत प्रूफ हो जाए। वहीं पर अब आप देख सकते हैं सभी जो है वो कहती है, हाँ मेरे पास एक सबूत है, क्योंकि यहाँ पर ईशा मैम जो है वो सब कुछ आकर बता सकती हैं, क्योंकि ईशा मैम अच्छे से जानती हैं और ईशा मैम ने ही मुझे भी इसकी सारी सच्चाई बताई थी। जिसके बाद समृद्ध जो है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया है। वहीं ईशान जिस तरह से सभी का साथ दे रहा है ये देखकर सबके सब बहुत हैरान है। अब वहीं पर यशवंत जो है वो भी सभी पर चिल्ला रहा है, तो सुरेखा भी कहती है, हाँ सभी प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ की बात आती है तो सभी तुरंत ईशा मैम को कॉल लगाती है, लेकिन ईशा मैम सो रही है, वो कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद हरिणी कहती है, सभी छोड़ना हमें क्या मतलब है, लेकिन सभी कहती है, नहीं नहीं मैं एक बार और मैम को कॉल ट्राई करती हूँ। फिर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी जो है वो ईशा को कॉल कर रही है, लेकिन ईशा उसकी तबीयत खराब है, वो सोई हुई है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कैसे ईशान जो है वो सभी का साथ देगा, क्योंकि प्रोमो में दिखाया गया है ईशान सभी से कहता है, सभी मैं अपने परिवार के खिलाफ पहली बार जा रहा हूं, अगर ये सब झूठ जो तुम बोल रही हो तो हमारे परिवार की नाक कट जाएगी। सभी कहती है, अगर ये सब सच हुआ तो। इस पर ईशान कहता है, ठीक है फिर मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी। और आपका क्या कहना है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।